चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है बैंक तथा उनके सीईओ तथा बैंकों का स्थापना कब हुई थी तथा इनका मुख्यालय कहाँ पर है। आज का टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के SI RPF एग्ज़ाम के लिए तो और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले बैंक के साथ। पहला बैंक है अपना इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की जो सीईओ वो कौन है, वो सीईओ पद्मा चंद्रू और इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में तथा इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है सिंडिकेट बैंक और सिंडिकेट बैंक की बात करें तो इनके सीईओ है मृत्युंजय महापात्रा और इसका मुख्यालय जो है वो है मणिपाल में तथा इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो सीईओ है वो है पल्लव महापात्रा और इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1911 को। चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है आंध्रा बैंक। बात करें आंध्रा बैंक के जो सीईओ है वो है पेकी रेशमी तथा मुख्यालय है हैदराबाद शहर में और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1923 को। चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है देना बैंक। बात करें देना बैंक के जो सीईओ है वो कौन है, वो है कर्णम शेखर, मुख्यालय है मुंबई शहर में तथा स्थापना हुई थी 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसके सीईओ जो है वो है SS मल्लिकार्जुन राव तथा स्थापना हुई थी कोलकाता में तथा इसकी स्थापना जो किस सन में हुई थी, वो हुई थी 1865 में और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है, तो सीईओ है AS राजीव। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है पुणे में तथा इसकी स्थापना कब हुई थी 1935 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक है अपना यूको बैंक। यूको बैंक के जो सीईओ है वो कौन है, अतुल कुमार गोयल तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है कोलकाता शहर में तथा स्थापना हुई थी 1943 को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसको सीईओ है वो कौन है, S हरिशंकर और इसका मुख्यालय है दिल्ली शहर में तथा इसका इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, चलते हैं अगले बैंक की ओर। अपना अगला बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बात करें इसका सीईओ कौन है, तो सीईओ है आपको अशोक कुमार प्रधान और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है कोलकाता शहर में तथा इसकी स्थापना कब हुई थी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि काफ़ी फेमस बैंक है इंडिया में। इसके जो सीईओ है वो सबको पता होना चाहिए, वो है रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय भी पता होना चाहिए, वो है मुंबई में और स्थापना भी पता होनी चाहिए, वो है 1955 में। ठीक है, चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी जो सीईओ है वो है PS जय कुमार और इसका मुख्यालय है वडोदरा में तथा स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला बैंक है कनेरा बैंक। बात करें कनेरा बैंक के जो सीईओ कौन है, वो है राकेश शर्मा और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में तथा स्थापना हुई थी 1906 में, इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले बैंक की ओर। अगला बैंक है IDBI बैंक। बात करें IDBI बैंक के सीईओ कौन है, तो सीईओ है श्री राम, इनके सीईओ है तथा इसका मुख्यालय है मुंबई में। बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें ICICI बैंक की, तो इसकी जो सीईओ है वो है चंदा कोचर जो कि काफ़ी फेमस है और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है मुंबई शहर में। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो स्थापना करी थी 1955 में। तो ये हो गए अपने बैंक, उनके सीईओ तथा इस मुख्यालय तथा उनकी स्थापना। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो बैंकों के जो सीईओ है वो चेंज होते रहते हैं। क्या पता मैंने वीडियो डाला इसके एक दिन बाद ही कोई किसी और बैंक का सीईओ कोई और बन जाए, तो ये जो सीईओ है 1-2 महीने पुराने हैं जो भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी करंट में जो चेंज हुए हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बाकी पूछे जाएँ तो फिर वहाँ पे आपको करंट अफेयर देखने रहेंगे जो कि मैं डेली अपलोड करता हूँ। तो सुबह 5 से 6 के बीच में मैं डेली करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, तो आप उनको भी देखा करें ताकि अगर किसी भी बैंक का अगर सीईओ चेंज होता है अभी जो देर के इनसे, तो मैं आपको उसी टाइम पर उसके बारे में अपडेट दे दूँ ताकि आप क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करो किसी भी एग्ज़ाम में। तो ठीक है, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि वह भी अपने चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।